सो हेलो एवरीवन, आज है 25 दिसंबर 2023 और आज मैं विजिट करने आया हूँ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस विजिटिंग प्लेस इन दिल्ली, दैट इज़ इंडिया गेट। तो ये है कुछ इस तरह से इंडिया गेट का नज़ारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज संडे है और संडे होने की वजह से ये पूरी तरह से पैक्ड है। आप देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल, स्पेशली अगर हम बात करें तो फैमिली के साथ यहाँ पर गैदर हुए हैं और ये जाना जाता है दिल्ली के हार्ट में एक पिकनिक स्पॉट्स की तरह। थाउजेंड्स लोग यहाँ पर आए हैं पिकनिक के लिए, इंजॉय करने के लिए और अपने संडे को मेमोरेबल बनाने के लिए। ये है स्मॉल फाउंटेन, जो कि अवेलेबल है इंडिया गेट के ठीक अपोजिट में। इनफैक्ट पहले इसमें बोटिंग का भी प्रावधान था बट अभी शायद ये प्रो बोटिंग बंद कर दी गई है। ये जायंट वाटरफॉल है जो यूजली तो ऑपरेटिंग नहीं रहता बट कभी कभी इसको ऑपरेटिंग कर दिया जाता है। और इसकी सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है इवन इंडिया गेट की या नियर बाई प्लेस की, आप इंजॉय कर सकते हैं नाइट टाइम में, क्योंकि नाइट में ये नहा जाता है पूरी तरह से जगमगाती हुई रोशनी में। तो मेरे साथ एक पर्यटक मौजूद है, पर्यटक है हरियाणा से। तो क्या करने आए हैं आप? घूमने आए हैं इंडिया गेट। तो इंडिया गेट घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको इंडिया गेट आके? आप पहले आ चुके हैं? हाँ, ये देखिए आप इधर व्यू देखिए आप, फाउंटेन चल रहे हैं और ये सारा आज संडे का दिन है, चिल्ड्रन सभी अच्छी हरियाली घूमते हुए सभी। तो आप इंजॉय करने अकेले आए हैं फैमिली के साथ? फैमिली के साथ आए हैं। तो राहुल जी आए हैं हरियाणा से और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने इंडिया गेट। तो आइए इनके साथ दिखाते हैं आपको और भी खूबसूरती। तो देखिए गरीब अमीर सभी तरह के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आए हैं इंजॉय करने के लिए। तो ये है ब्रिज जिसके द्वारा हम जा सकते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ और ये ब्रिज हमें लेके जाता है इंडिया गेट की फ्रंट साइड पर। तो फ्रंट साइड देखते हैं इंडिया गेट की कैसी है। और दो पहले काफ़ी बार मैं विज़िट कर चुका हूँ। यहाँ हमारे मोदी जी विराजमान हैं योजना के साथ। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी। तो फाइनली ये व्यू है सामने इंडिया गेट का, द वर्ल्ड फेमस इंडिया गेट। आइए आपको जूम। ये है इंडिया गेट। इसकी ख़ास बात यह है कि अगर आप इसकी नियर बाय जाएंगे और आप देखेंगे कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया उनके नाम इस इंडिया गेट पर लिखा गया है, इसलिए इसका नाम इंडिया गेट है। तो फाइनली यह है आज का हमारा स्पॉट। जैसे कि आप देख सकते हैं क्राउड की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ क्राउड ही क्राउड मिलेगा क्योंकि वेदर भी अच्छा है, संडे का दिन है, हॉलीडे सीज़न चल रहा है, तो क्राउड पूरी तरह से यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये है कुछ इस तरह का नज़ारा इंडिया गेट की आज मेरी विज़िट का। तो वेदर के साथ मैं भी मज़ा लेता हूँ यहाँ इंडिया गेट के क्राउड का। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, अगर चांस लगे तो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इंडिया गेट। थैंक यू, बाय बाय।